हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट रेसिपी जिसका नाम है मालपुआ। अगर आपका कभी भी कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसको अपने घर में झटपट बना सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम है और बहुत ही कम सामान से ये रेसिपी बन सकती है। चलिए ये देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमको क्या क्या सामान की जरूरत है। हमने यहाँ लिया है 3/4 कप आटा, 1/4 कप सूजी। सूजी ये मैंने बारीक ली है, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। 1 कप शुगर, 1 कप पानी, ये हमने शुगर और पानी हमने चाशनी के लिए लिया हुआ है। 2 बड़ी स्पून मलाई, जो कि नॉर्मल हम लोग दूध में निकलती है वो वाली मलाई ली हुई है। गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता लिया हुआ है आप या काजू वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। सौंफ एंड इलायची पाउडर और डो बनाने के लिए मिल्क। यह हम एक बॉल लेते हैं, इसमें आटा डालते हैं, सूजी डालते हैं, छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालते हैं। अगर आपको सौंफ का टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर ये मालपुआ में टेस्टी लगती है। इसको मैंने एक स्पून डाला हुआ है। ये मलाई डालते हैं, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह मावा ले सकते हैं, नहीं तो जो मिल्क पाउडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मावा से क्या होता है, जो हम मालपुआ बनाते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और सूजी से क्रिस्पी बनते हैं। अब इसको हम दूध से एक डो बना के तैयार करते हैं। एक साथ हम इसमें दूध नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। जो हमको बैटर चाहिए इस कंसिस्टेंसी का चाहिए। ये अपने आप एक ड्रॉप बाई ड्रॉप ग्लास में गिरेगा ऐसा। इसको हम 15 मिनट के सेट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपनी चाशनी की तैयारी करते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप जो पानी लिया था वो डाला और 1 कप शुगर। जो हम चाशनी बनाएंगे वो तार वाली नहीं बनाएंगे, बस हमको ये शुगर इसमें पानी में मेल्ट हो जानी चाहिए और हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। एक छोटी सी चम्मच ये इलायची पाउडर लिया है, ये भी चाशनी में डाल देंगे, इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। चाशनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। एक बार इसको चेक कर लें कि ये चिपक रही है या नहीं, ऐसे करके हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब मालपुआ सेकने के लिए एक पैन लिया है, उसमें घी लिया है। घी ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा ही भरना है कि हमारे मालपुए सिक जाए। आप यहाँ रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकने के लिए हमने एक ये स्पून लिया हुआ है जिसमें हमारा बैटर अच्छे से आ जाए। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम हमेशा गर्म तेल में ही मालपुए सेकेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस मालपुए से डालने हैं, ये अपने आप फैल जाएंगे। ये देखिए, इसको हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप ये गोल्डन कलर हो जाएगा नीचे से, तब इसको हम मूव करेंगे दूसरी साइड के लिए। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है, इसको हम दूसरी साइड के लिए मूव कर देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे धीरे धीरे इस साइड में सिकने देंगे। ये देखिए हमारे मालपुए फूल भी रहे हैं। हमारा मालपुआ सिक के रेडी हो गया है। इसको हम चाशनी में डाल देंगे। जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो चाशनी को हल्की सी गुनगुनी कर लेंगे। एक और मालपुआ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मालपुए छोटे या बड़े कर सकते हैं। अगर आप छोटा साइज बना रहे हैं तो एक साथ 2 या 3 मालपुए एक साथ सेक सकते हैं। एक तरफ से इसको अच्छे से सिक जाने दें। ये देखिए फूल रहा है, इसको फूलने दें और गोल्डन होने दें, उसके बाद इसको हम दूसरे साइड से सेकेंगे। ये देखिए हमने इस मालपुए में कुछ भी मैदा वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है, बस आटा यूज़ किया हुआ है और सूजी। सूजी से क्रिस्पी बनाएगा इसलिए हमने सूजी यूज़ की हुई है। अगर आपको सूजी यूज़ नहीं करनी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है।
ये हमारा मालपुआ सिक के रेडी हो चुका है। इसका कलर आप देखो कितना गोल्डन आया हुआ है। इसको हम इसको चाशनी में डालते हैं। अब ये देखिए, इसको हम 10 से 15 मिनट तक चाशनी में डाला रहने देंगे, जिससे इसमें चाशनी अच्छे से घुस जाए। इस मालपुए पर आप चाशनी कोटिंग चढ़ा लें और इसको दोबारा से दूसरी साइड के लिए मूव कर दें। इसको थोड़ी देर रखना रहने दीजिए, उसके बाद इसी टाइप से हम अपने बाकी के मालपुए बना के रेडी कर लेंगे। हमारे मालपुए बन के रेडी हैं, लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे हलवाई वाले मालपुए, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी, वो भी सिर्फ आटे से। आप भी अपने घर में ये टेस्टी मालपुए बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।